हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर. होप यू आर वेरी वेल. सो दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फॉर क्लास 10. सो वी आर कवरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन विच वी हैव ऑलरेडी फाइव प्रॉपर्टीज सीन. ओके, फर्स्ट वन वॉज एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट. सेकेंड वन वॉज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. थर्ड, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट. And fourth properties of acids were acid react with metal to form hydrogen gas. And fifth properties was acid react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas. Okay, now we are starting sixth property of acid. Acid react with bases or alkali to form salt and water. Acid क्या करता है बच्चों? Bases से react करके salt या water, सॉल्ट और वाटर बनाता है. अच्छा, ये बच्चों बेसिस को अल्कली क्या बोल रहा है ये? अगर हम लोग किसी भी बेस को, बेस मतलब जो OH माइनस को रिलीज़ कर दे या लोन पेयर डोनर हो, ओके. बेस को हम लोग दो तरह से देखते हैं. एक क्या होता है, जो आरहेनियस बेस होगा वो OH माइनस को क्या करेगा, डोनेट कर देगा. ओके बच्चों, उसको हम लोग बेस कहेंगे. और जो हमारा क्या होगा बच्चों, लोन पेयर, जैसे लुइस बेस जो होगा वो उसके पास कुछ लोन पेयर होता है. तो ये सब टर्म अभी मैं आगे आप लोगों को क्लियर करूँगा, अभी के लिए वो ज़रूरत नहीं है. तो बस जान लीजिए बेस कुछ होता है, जैसे NaOH, NaOH में से OH, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में OH निकल जाता है. तो OH के फॉर्म में निकलने की वजह से अगर वो बेस है और अगर NaOH को हमने पानी में डाल दिया तो वो सॉल्युबल हो जाएगा. ऑल वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली. ओके बच्चों, तो अल्कली क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये बेस ही होता है लेकिन पानी में डाला है तो वो अल्कली हो गया, पानी से बाहर है तो वो सिर्फ वो बेस कहलाएगा. ओके बच्चों, पानी में डालने के बाद वो बेस कहिए या अल्कली कहिए, बात एक ही है. चलिए, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस देन अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म. वही चीज़ बोल रहा है, एसिड बेस से रिएक्ट करके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा. एक्चुअली व्हेन एन एसिड इज़ ट्रीटेड विद अ बेस, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ट्रीटेड मतलब बेस के साथ रिएक्ट कराना, द बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड डिस्ट्रॉयड इट्स एसिडिटी. जब एसिड को किसी बेस से क्या कराया जाए, ट्रीट कराया जाए या रिएक्ट कराया जाए तो एसिडिटी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके बच्चों, या न्यूट्रलाइज हो जाती है. चलिए, सिंस एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स इफेक्ट, सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है. दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं. सो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल वेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन देन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, एसिड हो गया. बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना रहा और वाटर दे रहा है. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है. जब इसको पानी में डाल दिया तो यहाँ पे एक्वस लिखना पड़ता है. ठीक है ना, AQ का मतलब एक्वस, पानी में घुला हुआ है. HCl इसको भी पानी में डाल दिया, ये भी एक्वस हो गया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl. एसिड का अनायन और बेस का कटायन, Na प्लस बेस का कटायन है और Cl माइनस एसिड का अनायन है. एसिड का अनायन बेस का कटायन मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और बाकी का जो बच जाता है वो वाटर बना देता है. इसमें OH निकलेगा, इसमें H प्लस निकलेगा. OH माइनस और H प्लस मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे. ठीक है बच्चों, तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर. This is an example of neutralization reaction. In this reaction, sodium hydroxide base and hydrochloric acid neutralizes each other. चलिए जनरलीफाई कर देता है, ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंने समझा दिया. ओके, तो क्या कह रहा है, ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो जो सॉल्ट बनेगा वो ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा. अभी के लिए ये समझिए बच्चों, है ना, अभी के लिए बस ये समझिए कि सॉल्ट जो है ना ही एसिडिक होगा ना ही बेस होगा, इट इज़ न्यूट्रल. ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइज होकर के एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है और वाटर मिल जाता है. इतना अभी के लिए काफ़ी है. ओके, सो वी कैन कैरी आउट
the neutralization reaction between the hydrochloric acid and sodium hydroxide solution in the laboratory, we will use phenolphthalein solution as indicator. In this experiment, please note that phenolphthalein solution is a colorless indicator which gives pink color in basic solution. मतलब जो phenolphthalein है उसका खुद का color क्या है? Colorless है. लेकिन अगर कोई basic solution होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? वो pink हो जाएगा. Okay बच्चों, चलिए. Phenolphthalein indicators remains colorless in acidic solution. और कोई solution acidic है तो उसमें phenolphthalein डालेंगे तो क्या होगा? कोई change नहीं होगा. As well as an एज इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन में भी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है ना. उसका कलर कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा. सिर्फ और सिर्फ फेनोफ्थलीन को आप बेस में डालिए तो वो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. लेट अस कैरी आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाउ. अब हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं लैब में कैसे करेंगे. टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NaOH का 5 ml हमने क्या कर लिया? डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है. 5 ml का डाइल्यूट सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने ले लिया जो बेस है NaOH, ओके. इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, ठीक है, या कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, है ना. लैब में ऐसे ही करना है. ऐड थ्रू 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन इंडिकेटर. 2 या 3 ड्रॉप हमने क्या डाल दिया? फेनोफ्थलीन डाल दिया. किस में? जिस टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml क्या लिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन लिया था, ओके. द सोल्यूशन विल टर्न पिंक शोइंग दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर. तो जो सोल्यूशन होगा हमारा फेनोफ्थलीन डालने के बाद वो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा ना बच्चों. तो पिंक क्या बताता है? कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है, ओके. ये तो हमें पता था ना. मान लीजिए हमको कोई सोल्यूशन दे दिया है, नहीं पता है, उसमें फेनोफ्थलीन डालेंगे, अगर वो कलर पिंक हो गया तो बेस है, नहीं पिंक हुआ तो मतलब या तो एसिड हो सकता है या तो न्यूट्रल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है बच्चों. एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अबव सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड सीक द टेस्ट ट्यूब आफ्टर ईच एडिशन. तो क्या करेंगे बच्चों? जो बेस हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ml, उसमें हमने फेनोफ्थलीन डालने के बाद क्या किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, है ना, और उसमें हमने ड्रॉप वाइज क्या करना शुरू किया बेस में डालना शुरू किया, और हमने हल्का सा टेस्ट ट्यूब सेक करना स्टार्ट किया. या तो कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है, और एक टेस्ट ट्यूब होती है जो आप लोग लैब में देखेंगे, ओके. पहले बेस लिया, उसमें हमने ड्रॉप वाइज क्या डाला? टप टप करके क्या डालना स्टार्ट किया? एसिड डालना स्टार्ट किया, और क्या हो गया सोल्यूशन देखते हैं सेक करने के बाद. आफ्टर एडिंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी विल फाइंड दैट द पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब जस्ट डिसअपीयर, द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस. तो सबसे पहले क्या था बच्चों? हमने बेस लिया था, बेस में हमने फेनोफ्थलीन डाला, फेनोफ्थलीन कलरलेस होता है. जैसे ही टेस्ट ट्यूब में हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस लिया था उसमें फेनोफ्थलीन डाला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो पिंक कलर में चेंज हो गया. किसकी वजह से? फेनोफ्थलीन इंडिकेटर की वजह से. अब जैसे ही उसमें हमने ड्रॉप वाइज टप टप करके बूंद बूंद करके हमने एसिड डालना स्टार्ट किया तो वो पिंक कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, ठीक है बच्चों. एट दिस स्टेज ऑल द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड फ्रॉम द ड्रॉपर. ड्रॉपर लेकर के, ड्रॉपर होता है ना बच्चों जिससे हम लोग बूंद बूंद करके कोई चीज़ गिराते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पिंक कलर का सोल्यूशन था उसमें जब हमने ड्रॉप ड्रॉप करके डाला तो क्या हुआ बच्चों? कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था. द कलर ऑफ फेनोफ्थलीन इंडिकेटर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस. और जैसे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो फेनोफ्थलीन की वजह से जो पिंक कलर आया था वो भी क्या हो गया? कलरलेस हो गया, ओके. नो मोर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब. कुछ भी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा नहीं अनरिएक्टेड, मतलब वो रिएक्ट कर लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. द रिएक्शन मिक्सचर हैज़ बिकम न्यूट्रल. तो जो मिक्सचर हमने लिया था वो कैसा हो जाएगा? जो हमने मिक्सचर बनाया है वो न्यूट्रल हो जाएगा. नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द अबव कलरलेस मिक्सचर, द मिक्सचर बिकम्स पिंक इन कलर अगेन. अब फिर से हमने कुछ ड्रॉप क्या डाल दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया उसी सोल्यूशन में, उसी मिक्सचर में, तो फिर से क्या हो जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा. दैट इज़ द फेनोफ्थलीन इंडिकेटर हैज़ चेंज्ड इट्स कलर टू पिंक, ओके. दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन द रिएक्शन मिक्सचर हैज़ बिकम बेसिक अगेन. जैसे ही हम थोड़ा सा मात्रा बेस की बढ़ाएंगे तो मिक्सचर कैसा बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा. तो इसका मतलब फिर फेनोफ्थलीन तो उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट ही होगा और उसका कलर कैसा कर देगा? पिंक कर देगा. ये हो गया बच्चों 6 पॉइंट. अब 7वां पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं.
एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। देखिए एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है, एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसका मतलब जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेस होना चाहिए, ये एसिड है तो ये बेस होना चाहिए। तो हाँ बच्चों मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, ओके बेसिक होता है, जैसे MgO है ना, CaO, तो जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग देखते हैं कॉपर टू ऑक्साइड मतलब CuO, कॉपर टू ऑक्साइड मतलब कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये सब बाद में बताएंगे बच्चों। कॉपर टू ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड CaO जो CuO जो है वो मेटल ऑक्साइड है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर टू ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर टू क्लोराइड एंड वाटर। जैसे CuO क्या है, कॉपर टू ऑक्साइड है, ये क्या है, ब्लैक कलर का एक सॉलिड होता है, ठीक है बच्चों। CuO क्या होता है, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ओके इसको क्या बोलते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड बोलिए या कॉपर ऑक्साइड बोलिए बात रखी है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया हमने इस मेटल ऑक्साइड को, है ना, तो क्या बना, ये एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा इससे पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर, एक्वस मतलब पानी का सोल्यूशन बनाया HCl के साथ। तो हमने क्या कर लिया, रिएक्ट करा दिया। अब रिएक्ट कराने के बाद देखिए ये जो बेस है उसका कटायन और एसिड का अनायन Cu2+ + Cl-, तो एक Cu2+ के लिए दो Cl- चाहिए, इसलिए क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, व्हाई, बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ओके। चलिए वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर टू ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज फॉलोज, इस तरीके से हम लोग लैब में कर सकते हैं। क्या क्या चीज़, मेटल ऑक्साइड का और डाइल्यूट क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड इन अ बीकर, एक बीकर में हमने थोड़ा सा क्या ले लिया, कॉपर टू ऑक्साइड यानी CuO ले लिया। किस फॉर्म में होता है बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इट इज़ ब्लैक इन कलर, काले कलर का सॉलिड होता है। एड डाइल्यूट क्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग विद अ ग्लास रॉड। अब आपको ग्लास रॉड कहाँ मिलेगा, लैब में मिलेगा, ग्लास रॉड से आप क्या करते जाइए, स्टिर करते जाइए, हिलाते जाइए उसको, और साथ ही साथ क्या करते जाइए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे ऐड करते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्टीरर से जो होता है हिलाते जाइए। वी विल फाइंड दैट कॉपर टू ऑक्साइड हैज़ डिजॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू ग्रीन सोल्यूशन, अब ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं कॉपर टू ऑक्साइड में यानी CuO में, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड सॉल्ट। कॉपर टू क्लोराइड मतलब CuCl2 का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन, ब्लूइस ग्रीन होता है, ओके। तो उसी की वजह से सोल्यूशन का जो हमारा कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू ग्रीन कलर का हमको सोल्यूशन दिख रहा है, ओके। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसी तरीके से है, मैंने बता चुका इस बात को। दस द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल ऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट शोज द बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड द मेटल हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड ही नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं। द एसिड ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ यूज टू रिमूव द इंडाइजेशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, इंडाइजेशन को रिमूव करता है, ओके। और चलिए बाई टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, अब पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एसिडिटी आएगी, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग अभी देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, इनडाइजेशन जो हमारा HCl बन रहा है उसको डाइजेस्ट करने में काम मदद करेगा। इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट विद द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यही जा करके ये बेसिक इन नेचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा जो पेट के अंदर एसिडिटी हुई है और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको रिलीफ मिलेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या काम है, ये क्या करता है, इंडाइजेशन को रिमूव करता है,
मतलब ख़त्म करता है, बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी है तो उसको कम कर देगा। एसिडिक एसिड्स हैव करोसिव इन नेचर, मतलब ये आपका एक पॉइंट हो गया, एक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हो गया कि एसिड क्या है, करोसिव है। करोसिव मतलब मतलब उसमें जंग लग जाती है। द मटेरियल एसिड्स कॉज द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेट टू बी करोसिव। तो जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब वीक एसिड्स, है ना। वीक एसिड्स जनरली आपको कार्बन के फॉर्म में दिखेगा, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये सब क्या हो गए बच्चों, सिट्रस एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HNO3, है ना, HCl, है ना, H2SO4, ये सब क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी को मिनरल एसिड कहा जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, क्लोथ और वुड, इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन स्किन, इट कटेज मतलब इट कट्स होल्स इन द क्लोथ एंड बर्न्स द वुड, प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। तो आप लोग ये समझते हैं एसिड कपड़े पर गिर जाए क्या होगा, स्किन पर गिर जाए क्या होगा, और आपके लकड़ी पे गिर जाए तो क्या होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑल द थ्री कॉमन मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों कॉमन मिनरल एसिड हैं, आर वेरी करोसिव इन नेचर, है ना, इन देयर कंसनट्रेटेड फॉर्म। जब कंसनट्रेटेड होते हैं मतलब पानी की मात्रा कम हो, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो कंसनट्रेटेड हुआ, और जब कंसनट्रेटेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा करोसिव होते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज एसिड इन द लेबोरेटरी, जब हम इस एसिड को यूज कर रहे हो लेबोरेटरी में तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। किसको किसको, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ओके। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। तो एसिड को कभी भी कहाँ नहीं रखना चाहिए बच्चों, मेटल के कंटेनर में नहीं स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे रिएक्ट कर लेगा, है ना। एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास एंड कंटेन्स बिकॉज एंड सिरामिक्स बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्ट बाई एसिड्स। तो मेटल पे तो जो एसिड है वो अटैक कर लेता है, लेकिन ग्लास और सिरामिक्स पे अटैक इसका नहीं होता है एसिड्स का। इन एडिशन टू कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स, ओके, द स्ट्रॉन्ग बेसिस और अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो वेरी करोसिव एंड अटैक द एंड अटैक द एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। तो जो स्ट्रॉन्ग जो बेसिस है ना, जैसे अल्कली होते हैं सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होते हैं, आर वेरी करोसिव, ये भी बहुत करोसिव होते हैं और अटैक करते हैं कहाँ पे, हमारे स्किन पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर स्किन पे गिर गया तो वो हमारे स्किन को डिस्ट्रॉय करेगा, ख़राब करेगा। इन ऑर्डर टू वार्न पीपल अबाउट द डेंजरस करोसिव नेचर ऑफ मिनरल एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, अ हजार्ड वार्निंग साइन इज़ यूजुअली प्रिंटेड ऑन देयर कंटेनर्स, जिसमें इसको रखा जाता है उस पे ख़तरनाक साइन लगा दिया जाता है, ओके। सच अ हजार्ड वार्निंग साइन इज शोन इन द फिगर, अब किसी फिगर में इस तरीके का साइन आपको शो कर रहा है ना, वही इसका हजार्ड साइन है। वी कैन सी सच हजार्ड वार्निंग साइंस ऑन द कैंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिस कैन में रखा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड उसमें एक खतरनाक सा साइन बना होगा। एंड बॉटल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो बॉटल पैलेट्स है उसमें भी लिखा रहेगा, मतलब साइन बना रहेगा। द हजार्ड वार्निंग साइन शोज दैट दीज केमिकल्स अटैक्स लिविंग टिश्यूज लाइक स्किन सोन बाय द कट इन द हैंड, मतलब इस तरीके से कुछ बनाएगा, एंड वुड एट्सेट्रा। द हैजार्ड वार्निंग साइन टेल्स द पीपल टू बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज डेंजरस केमिकल्स, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या कह रहा बच्चों, जो आपके मिनरल एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स या आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, इन सबों से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके हाथ पे गिरेगा तो ऐसा बना देगा, है ना, लकड़ी पे गिरेगा तो कुछ ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट मतलब कर देगा, है ना, कपड़ों पे गिरेगा तो कपड़े जला देगा, और इस तरीके का कुछ साइन बना रहता है जो स्ट्रॉन्ग मतलब जिस जो प्रोहिबिटेड रहता है लैब में, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इस तरीके का कुछ होता है, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग के साथ साथ कंसनट्रेटेड होना चाहिए। कंसनट्रेटेड मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें वाटर की मात्रा कम, उसी को कंसनट्रेटेड होते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम, तो बच्चों सैंपल प्रॉब्लम करते हैं, ये देखिए
मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विद, मतलब मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये क्या कह रहा है बच्चों, मेटल कंपाउंड ए, कोई ए है इसमें नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ ए बोल दिया, कोई मेटल का कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है एफर्वेसेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को क्या करती है, गैस जो निकल रही है इसमें वो बुझा देती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को लिखिए और बताइए, बैलेंस करके दिखाइए। तो सबसे पहले द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो बर्निंग कैंडल को गैस कोई बुझा सकती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विच इज़ फॉर्म्ड बाई द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को साथ रिएक्ट करा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी हो सकता है, इसको भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए सीएल के साथ तो हाइड्रो CO2 मिल जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस आप लोग लैब में जब करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। नाउ सिंस वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड का तो नाम क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, इट शोज दैट द मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड ओनली इन सॉल्यूशंस, इट इज़ टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। सॉलिड के फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अब वो CO2 दे रहा है एफर्वेसेंस के साथ तो मेटल का कार्बोनेट कोई होना चाहिए, और कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है एक साथ तो कैल्शियम का प्रोडक्ट होना चाहिए यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है होगा हमारा रिएक्टेंट। दस द मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीज़ देगा बच्चों। देखिए इसके रिएक्शन को आप इस तरीके से देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है मेटल का जो कार्बोनेट ए था जिससे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था, तो इसका मतलब कैल्शियम का कोई कार्बोनेट इधर रहा होगा, बाकी HCl तो बोला ही है तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 देगा, CO2 देगा और प्लस वाटर देगा। ठीक है बच्चों, तो सैंपल प्रॉब्लम 2 कर लेते हैं, ये हो गया आपका डन, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस अगर होगा तो छोड़ दीजिएगा। सैंपल प्रॉब्लम 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल्स, एग के जो सेल्स होते हैं उसको पीस लिया जाए, उससे एक सॉल्यूशन को रिएक्ट करा दिया जाए, टू गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, तो क्या करें बच्चों, उसको पीस करके क्या किया जाए, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद उस एक के जो सेल्स हैं उसको पीस करके किसी सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया जाए, और क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन जो बन रहा है वो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। तो द सॉल्यूशन कंटेन्स ए NaCl, HCl, LiCl और KCl, तो सॉल्यूशन देखिए, द एक्स सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का बना होता है एक्स सेल्स, एंड द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं ये पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ऑन कैल्शियम कार्बोनेट एक्स सेल्स, सो द सॉल्यूशन कंटेन HCl। तो क्या कह रहा बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कैन बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के एक्शन से बन सकती है ना, तो अब देखिए इसमें एसिड कौन है, NaCl एसिड है नहीं, सॉल्ट है, LiCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, एसिड कौन है, सिर्फ HCl है, क्योंकि HCl में ही से इसमें से ही H प्लस निकल सकता है, बाकी ये तो कटायन एनायन का खेल है, कटायन एनायन कहीं दिखे वो क्या है बच्चों, वो एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है, यानी एसिड का अनायन और बेस का कटायन दिखे, कटायन एनायन तो इसमें भी दिखेगा लेकिन कटायन और अनायन एसिड और बेस का होना चाहिए, और HCl तो हम लोग जानते हैं एसिड है, तो एसिड ही रिएक्ट करेगा किससे, जो हमारे एक्स सेल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों उसको आप लोग देख लीजिए, क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।